हेलो व्यूअर्स, आप सभी का हम जी के चैनल में स्वागत है। और एक एक्साइटिंग सीरीज के साथ मैं आपके सामने आ गया हूँ, जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो आने वाले आसाम पुलिस SI और वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्प करेंगी। सो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सो पहला क्वेश्चन क्या है? द दिलवाड़ा टेम्पल एट माउंट आबू इन राजस्थान वेर बिल्ट बाय द फॉलोअर्स ऑफ। सो जो दिलवाड़ा टेम्पल, ये क्वेश्चन आया था आसाम फॉरनर्स ट्रिब्यूनल में। जो दिलवाड़ा टेम्पल कहाँ पे है, याद रखिएगा, माउंट आबू में है। कहाँ? माउंट आबू राजस्थान में है। सो इसको किसने बनाया था? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बुद्धिज्म। सेकंड ऑप्शन है जैनिज्म। थर्ड ऑप्शन है हिंदुइज्म। फोर्थ ऑप्शन क्या है? सिखिज्म। सो इसे किसने बनाया था? जैनिज्म धर्म के लोग ने इसे बनाया था। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इसका आंसर है जैनिज्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द ट्रैवलर इवन बतूता कैम फ्रॉम। जो इवन बतूता जो मेडाइवल हिस्ट्री में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के वंश के टाइम में आया था, ये याद रखिएगा। और इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम रिहाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिहाला याद रखिएगा, रिहाला। और ये किस कंट्री से आया था? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मोरक्को। सेकंड ऑप्शन क्या है? पर्जिया। थर्ड ऑप्शन है टर्की। फोर्थ ऑप्शन क्या है? सेंट्रल एशिया। सो ये आया था मोरक्को से। इसका आंसर क्या है? मोरक्को, याद रखिएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इसका आंसर है मोरक्को, और इसने किताब लिखा था रिहाला, याद रखिएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु बिल्ड द खजुराहो टेम्पल। खजुराहो जो टेम्पल है MP में है, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। उसे किसने बनाया था? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? होलकर। सेकेंड ऑप्शन है सिंधियास। थर्ड ऑप्शन है बुंदेला राजपूत। फोर्थ ऑप्शन है चांडेला। सो इसे किसने बनाया था? चांडेला राजपूतों ने इसे, जो खजुराहो टेम्पल है उसे बनाया था। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो चांडेला राजपूत इसका आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ है, जो टावर है विक्ट्री टावर, जो सिंबलाइज करता है विक्ट्री को, वो किसने बनाया था? फर्स्ट ऑप्शन है राणा प्रताप। सेकेंड ऑप्शन है राणा कुंभा। थर्ड ऑप्शन है राणा सांगा। फोर्थ ऑप्शन है बप्पा रवल। सो इसे किसने बनाया था? राणा कुंभा ने बनाया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिए, राणा कुंभा ने इसे बनाया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जिसका आंसर है राणा कुंभा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वॉज द आर्किटेक्ट हु डिज़ाइन द ताजमहल। सो ताजमहल कहाँ है? ये तो आपने पता ही होगा, आगरा में है। सो आगरा जो सिटी था उसे किसने स्टैब्लिश किया था? उसे सिकंदर लोधी ने बनाया था। ये एक्स्ट्रा इन्फो से याद रखिएगा। सो इसके आर्किटेक्ट कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मोहम्मद हुसैन। सेकेंड ऑप्शन है आपका उस्ताद अहमद लाहौरी। थर्ड ऑप्शन है शाहबाज। फोर्थ ऑप्शन है इस्माइल। सो इसे किसने बनाया था? उस्ताद अहमद लाहौरी जी ने इसको आर्किटेक्ट, मतलब इसका निर्माण ढांचा बनाया था। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इसका आंसर उस्ताद अहमद लाहौरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल बख्श किसे कहते हैं? लाल बख्श की उपाधि किसको मिली थी? लाल बख्श की उपाधि, सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? अल्तुतमिश। सेकेंड ऑप्शन है बलबन। थर्ड ऑप्शन है रजिया। फोर्थ ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। सो इसका आंसर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो जिसको लाल बख्श कहते हैं। और इसने स्लेव डायनेस्टी का स्थापना किया था, स्लेव डायनेस्टी, जो मिडाइबल दिल्ली सल्तनत का पहला किंगडम था। उसके बाद जो सेकेंड राजा हुए इल्तुतमिश हुए, थर्ड हुए रजिया सुल्ताना, फोर्थ है बलबन। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, लाल बख्श कहते हैं। खालसा, जो खालसा है, खालसा किसने निर्माण किया था? ये सब सिख के गुरु हैं, 10 गुरु बने थे उनके उनके नाम है। सो खालसा जो पंथ है, जो उसकी स्थापना किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? गुरु गोविंद सिंह। सेकंड ऑप्शन है गुरु रामदास। थर्ड ऑप्शन है गुरु नानक। फोर्थ ऑप्शन है अर्जुन देव। सो इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द गुरु ऑफ शिवाजी। जो मराठा के काफ़ी फेमस राजा हुए, जिन्होंने गुरिल्ला वारफेयर में काफ़ी काफ़ी अपनी दक्षता को दिखाया था, और उन्होंने अफजल खान को भी मारा था। सो इनके गुरु थे, फर्स्ट ऑप्शन रामदेव, सेकंड ऑप्शन रामदास, थर्ड ऑप्शन एकनाथ, फोर्थ ऑप्शन तुकाराम। सो इनके गुरु का नाम था रामदास, याद रखिएगा। सो बताए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ न्यू कॉइन कॉल्ड द रुपया वाज इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो रुपया, जो ये कॉइन था, इसे किसने इशू किया था फर्स्ट टाइम? सो ऑप्शन क्या? अलाउद्दीन खिलजी। सेकंड ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। थर्ड ऑप्शन है शेर शाह सूरी। फोर्थ ऑप्शन है अकबर। सो इसे किसने स्टैब्लिश, ये निकाला था? शेर शाह सूरी ने इसे ये लाया था, शेर शाह सूरी ने इसे लाया था। सो ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाई द फेमस रूलर। सो कुतुब मीनार का शुरुआत, कुतुब मीनार जो दिल्ली में है उसकी शुरुआत किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा था, किया था, लेकिन उसे वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। सो इसको किसने कंप्लीट किया? ऑप्शन नंबर वन है कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड ऑप्शन है इल्तुतमिश, थर्ड ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, फोर्थ ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। सो इसका स्थापना किया था, कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने, जो रियल फाउंडर था स्लेव डायनेस्टी का, इल्तुतमिश। सो थर्ड ऑप्शन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द अकबरनामा, अकबरनामा को किसने लिखा था, जो अकबर का बायोग्राफी था, इसे लिखा था? फर्स्ट ऑप्शन क्या, अकबर ने, सेकंड ऑप्शन बीरबल ने, थर्ड ऑप्शन अबू फजल ने, फोर्थ ऑप्शन क्या है भगवान दास ने। तो इसे लिखा था अबू फजल जी ने लिखा था, जो नवरत्न थे, जो अकबर के दरबार में उनमें से एक थे अबू फजल जी। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर अबू फजल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हु ट्रांसलेटेड द रामायणा इनटू पर्शियन। सो रामायण को पर्शियन में किसने लिखा था? फर्स्ट ऑप्शन है अबू फजल, सेकंड ऑप्शन है बदौनी, थर्ड ऑप्शन है अब्दुल लतीफ़, फोर्थ ऑप्शन है ईसर दास। सो इसका आंसर क्या है, अबू फजल जी ने इसे रामायण को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हुमायूं नामा वॉज रिटन बाय, हुमायूं नामा को किसने लिखा था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। सो ऑप्शन नंबर है ए हुमायूं, सेकंड ऑप्शन है अकबर, थर्ड ऑप्शन है अब्दुल फजल, फोर्थ ऑप्शन है गुलबदन बेगम। सो इसे किसने लिखा था? गुलबदन बेगम जी ने लिखा था, गुलबदन बेगम इनकी लड़की थी। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हु इश्यूड अ टोकन करेंसी इन कॉपर कॉइंस बिटवीन द एडी 1329 एंड 1330। सो इसको किसने, जो टोकन कॉइन जो कॉपर का बना हुआ था, किसने फर्स्ट टाइम इशू किया था? फर्स्ट ऑप्शन अलाउद्दीन, सेकंड ऑप्शन गियासुद्दीन तुगलक, थर्ड ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फोर्थ ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक। सो इसे इशू किया था मोहम्मद बिन तुगलक जी ने। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएगा तुगलक जो डायनेस्टी थी उसके फाउंडर कौन थे। सो मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दीन ए इलाही, ये आया था एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, स्टार मार्क कर लीजिएगा। दीन ए इलाही वॉज द न्यू रिलीजन स्टार्टेड, किसने स्टार्ट किया था? फर्स्ट ऑप्शन है हुमायूं, सेकंड ऑप्शन जहांगीर, थर्ड ऑप्शन अकबर, फोर्थ ऑप्शन क्या है शाहजहां। सो इसे किसने स्टार्ट किया, अकबर जी ने स्टार्ट किया था, अकबर। सो अकबर जी ने इसे दीन ए इलाही किया था। और जो क्रोनोलॉजी है आपका इसका, जो मुगल डायनेस्टी का क्रोनो, पहले हुमायूं आए, हुमायूं आए, उसके बाद हुमायूं के बाद अकबर आए, अकबर के लड़के जहांगीर आए, जहांगीर के शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। ये है क्रोनोलॉजी, दो बार याद कीजिएगा, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये थे प्रोमिनेंट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। सो इसका आंसर क्या था, अकबर। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ आगरा, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आगरा की स्थापना किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है फिरोज तुगलक, सेकंड ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, थर्ड ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, फोर्थ सिकंदर लोधी। सो इसकी स्टैब्लिशमेंट किया था सिकंदर लोधी, जो लोधी वंश का शासक था। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज राठौर, जो पृथ्वीराज चौहान राजपूत रूलर पृथ्वीराज चौहान का, ये उसके बारे में लिखा गया, उसे किसने लिखा है? फर्स्ट ऑप्शन है भवाभूति, सेकंड ऑप्शन जयदेवा, थर्ड ऑप्शन चांद बरदाई, फोर्थ ऑप्शन है बाना भट्ट। सो इसके किसने लिखा है, चांद बरदाई जी ने लिखा है, बाना भट्ट ने हर चरित्र लिखा है, याद रखिएगा हर चरित्र। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रजिया सुल्ताना द फर्स्ट वुमेन टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली वाज द डॉटर ऑफ, जो मुगल जो ये दिल्ली सल्तनत थी उसकी पहली और आखिरी वुमेन जो जिसने थ्रोन पे बैठी थी उसका नाम क्या था, और किसकी लड़की थी, ये क्वेश्चन है, रजिया सुल्ताना किसकी लड़की थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है मोहम्मद बिन गौरी, सेकंड ऑप्शन है मोहम्मद ऑफ गजनी, थर्ड ऑप्शन है इल्तुतमिश, फोर्थ ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। सो इसका आंसर क्या है, इल्तुतमिश की लड़की थी वो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नेम किंग हु इन्वेडेड दिल्ली एंड प्लंडर्ड एंड कोहिनूर डायमंड, जो किसने हमारे यहाँ से कोहिनूर डायमंड चुरा के ले गया था? ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है नादिर शाह, सेकंड ऑप्शन है फिरोज शाह, थर्ड ऑप्शन है मोहम्मद शाह, फोर्थ ऑप्शन है मोहम्मद गोरी। सो इसे चुराया था नादिर शाह ने। फिर इसको कौन भारत लाया था, रंजीत सिंह जी ने लाया था, रंजीत सिंह जी ने इंडिया में फिर से कोहिनूर को लाया। और लास्ट में ये कोहिनूर अभी कहाँ है, क्वीन के सर पे है, अभी ब्रिटिश क्वीन के सर पे है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ओनली हिंदू कोर्टियर ऑफ अकबर हु एक्सेप्टेड दीन ए इलाही, जो अकबर ने जो धर्म अपना लाया था उसको किसने एक्सेप्ट किया था? फर्स्ट ऑप्शन तोडरमल, सेकंड ऑप्शन बीरबल, थर्ड ऑप्शन तानसेन, फोर्थ ऑप्शन है मानसिंह। सो इसको किसने अपनाया था, बीरबल ने, वन एंड ओनली बीरबल जी ने इसको एक्सेप्ट किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु गॉट द गीता ट्रांसलेटेड इन पर्शियन,
सो गीता को किसने ट्रांसलेट किया था पर्शियन भाषा में? सो ऑप्शन है शाहजहाँ, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन डी मुराद, ऑप्शन फोर दारा शिकोह। तो इसको किसने किया था? दारा शिकोह जी ने इसको ट्रांसलेट कराया था। दारा शिकोह औरंगजेब के भाई थे और शाहजहाँ के लड़के थे, बड़े लड़के। सो ये यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने अभी कहा, सो देख लीजिएगा आप लोग। सो नेक्स्ट, सो ये आज का यही एंड हुआ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मैं भी तैयारी में जुट गया हूँ। सो अब वीडियोज़ नहीं आएंगे, आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।